क्या नाम है आपका? सीमा। आपकी क्या टेस्टामनी है? सर मेरी बेटे दी टेस्टामनी। हाँ, बेटे की टेस्टामनी थी। हाँ, ऐसे कुछ दिन पहले इसे क्या हो गया था? सर लूज मोशन। लूज मोशन हो गए थे, है ना? सुनो, ऐसे कुछ दिन पहले इसे, ये इनका बेटा, इसे लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन होने की वजह के कारण इसका जो, जैसे ज़्यादा लूज मोशन से पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं इसे ORS ऐसी कुछ ऐसी मेडिसिन से ज़्यादा उसे दो, ताकि पानी की जो कमी है वो कम ना हो। हाँ, अगर वो कम होगी तो कुछ भी हो सकता है। समझ आती मेरी बात? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। पर इन्होंने मेडिसिन दी, अच्छे डॉक्टर के पास भी गए, जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर के, डॉक्टर उसके पास गए और मेडिसिन दी। और मेडिसिन देने से भी कुछ नहीं, इसे कोई भी 1% भी कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रहा, कुछ भी नहीं। समझ आ रही? और फिर उन्होंने ऐसे मेरे से बात की। क्या की मेरे से? मेरे से बात की कि जर्मिया ऐसे, मतलब ठीक नहीं है, ऐसे उसे लूज मोशन हो गए। क्योंकि ये जो सिस्टर है, इसका जो हस्बैंड है, हमारी वर्शिप टीम में वो वर्शिप करता है, जिसका नाम वरेंद्र है। हाँ, तो इन्होंने जब मेरे से बात की, इन्होंने मन में आया कि हम प्रेयर कराते हैं। तो मैंने कुछ वचनों से उत्साहित किया, मैंने कहा विश्वास करो, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्होंने जैसे मैं कहा वैसे कहा, उन्होंने ऐसे नहीं किया, नहीं नहीं आप प्रार्थना करो, जैसे जो चीज मैंने सिखा दी इन्होंने मान ली। पर फिर अगले दिन जब इनसे मेरी बात हुई, ये कहते हैं कि उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हो रही है? उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। तो जी फिर भी चाहते थे कि मैं प्रेयर करूं, पर मेरे मन में आया नहीं कि मैं प्रार्थना करूं। और तब जब इन्होंने मेरे से बात की और मैंने तुरंत परमेश्वर के पास गया और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मुझे बताओ इस बच्चे के लिए मैं क्या करूं। और परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने इन्हें कहा कि थोड़ा सा तेल लो और इसकी जो तुन्नी है, पंजाब हिंदी में भी उसे ऐसे बोलते हैं, हाँ, नाभि, नाभि, हाँ, इस पे थोड़ा तेल लगाओ, बस ये सही हो जाएगा। और मैंने तेल लगाने से पहले इन्हें कहा कि ऐसे नहीं है जैसे संसार में लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु ये तेल तेरा लहू बन जाए, जैसे पानी तेल को लहू बनाकर क्या करते हैं लोग। हाँ, मैं कहता हूं कि यीशु का लहू इतना सस्ता है, बोलो, इतना सस्ता है कि थोड़े से तेल को ऐसे कहो और उसका ब्लड बन जाए, पानी ब्लड बन जाए। हाँ, ऐसा मैंने इन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना, कि प्रार्थना करना कि ये तेरा ब्लड बन चुका है, हम लगाएंगे, बस आपने ऐसे करना लगाने से पहले कि प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो वचन तूने अपने दास को दिया, हम विश्वास करते हैं कि इसको लगाने से क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चा? बिल्कुल सही हो जाए। ऐसे नहीं कि प्रार्थना करनी है कि ये तेल यीशु तेरे नाम से लहू बन जाए, ये नहीं, बस अपने ऐसे करना है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया, हम विश्वास करते हैं कि इसको लगाने से क्या हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इन्हें ऐसे करने के लिए कहा और इन्होंने ऐसे किया, उसी शाम नहीं तो 2-3 दिन पहले इनकी हालत इनके चेहरे देखने वाले थे। हाँ, ये मां का दिल क्या होता है, पहले ही ऐसे होता है। हाँ, और उसी शाम परमेश्वर ने बिल्कुल इसे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और सुनो, एक चीज सुनो, यहां पे एक पॉइंट है आपके लिए कि क्या परमेश्वर तेल से लोगों को चंगा करता है? क्या तेल से परमेश्वर चंगा करता है कि पानी से? और बहुत से लोग, सैकड़ों कलीसियां
जजेस में जिनका मन तेल और पानी पर लगा हुआ है, वो परमेश्वर को ना उसके वचन को जानते ना उसकी सच्चाई को। उन्हें पता है बस ये तेल लगाने से इसको पीने से क्या होगा। हाँ, कुछ लोगों के हो सकते हैं, हो भी जाते हैं, क्या हो सकते हैं, पर सैकड़ों लोगों का ये मन तेल और पानी पे लग गया। किस पे लग गया? तेल और पानी पर। क्या परमेश्वर तेल और पानी से ही चंगा करता है? समझ आ रही मेरी? देखो, मैंने अगर तेल से ऐसे कहा तो परमेश्वर ने तेल से हील तो किया, अच्छा तो इसे किया, पर रीति से नहीं। कैसे? रीति से नहीं कि तेल लगाओ, हर बार लगाओ। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं कि जब खुदा का आत्मा मुझे कुछ भी करने के लिए कहेगा, मैं उसे ऐसे करता हूं। हाँ, रीति से नहीं कि हर बार उसे ऐसे करते रहो, क्योंकि रीतियों को खत्म करने के लिए कौन आया? रीतियों को खत्म करने के लिए कौन आया? और आज भी लोग रीतियों में पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है? कहीं पर लिखा तेल और पानी ना मिलने से नाश हो रही है? बताओ, एक भी बंदा मुझे दिखाओ कहीं पर भी पूरी बाइबल में यहां पे ऐसे लिखा हो कि तेल ना पानी ना मिलने से मेरी प्रजा नाश हो रही। उसने कहा, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही? नाश। कि तेल पानी ना होने के कारण। समझ आ रही है? इसलिए भाई समझो, जो लोग नहीं सत्य को पूरी तरह जानते, आप लोगों का भी फर्ज है, अगर आप इस मिनिस्ट्री में चर्च में आते हो, खुद समझो, फिर दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी सिखाओ कि सत्य क्या है, ताकि दूसरों का भी भला हो। क्या हो? दूसरों का भी भला हो। समझ आ रही है? अरे दूसरों को भी बताओ, क्योंकि परमेश्वर तेल और पानी से नहीं, किसे अच्छा करता है? किसे अच्छा करता है? अपने वचन से चंगा। बाइबल में लिखा वो वचन भेज कर रोगियों को क्या करता है? चंगा करता है। पर लोगों को इस सत्य का पता नहीं। ठीक है? सो इसलिए ये जब भी परमेश्वर मुझे कुछ ऐसा करने के लिए, अगर तेल पानी की बात है, तो वो तेल और पानी एक वचन होगा। क्या होगा? क्या होगा? इसलिए मैंने पहले इन्हें बोल दिया कि इसे लगाने से पहले ऐसे प्रार्थना नहीं करनी कि यीशु जी तेरा लहू बन चुका है। ऐसे नहीं करना है। जो वचन परमेश्वर तूने अपने दास को दिया, हम विश्वास करते हैं कि इसको लगाने से आप बिल्कुल क्या कर चुके हो? अच्छा कर चुके। और आज आपके सामने इसकी मम्मी का चेहरा देखो, खुश लगती है? लगती है ना? इसलिए हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसने अपना वचन और यह सच्चाई हमें दी है। क्या किया हमें? इसलिए जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करो। आमीन।